आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर एंड कॉमन साइट्स फॉर असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं, या कौन कौन फैक्टर्स की वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर अल्टर हो सकते हैं या उसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, उसके बारे में डील करेंगे। और उसके बाद हम डील करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं और एक्सेसिबल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है एज। एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी हो गए या ओल्ड एज पीपल हो गए, तो उनके अकॉर्डिंग यानी कि एज के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं। ये इसलिए एज के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, क्या होता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं यानी कि जो 75 प्लस होते हैं, उनमें क्या होता है कि सबक्यूटेनियस जो फैट्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसके वजह से उनको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है या उसमें चेंजेज आता है, तो उसके वजह से वो ईजिली अफेक्टेड हो सकते हैं उस टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, वैसे ही बच्चों के केस में क्या होता है कि बच्चे का जो अभी स्किन या पूरा उनका बॉडी, होल बॉडी देखें तो वो अभी अंडर डेवलपिंग कंडीशन में होता है, यानी कि वो अभी डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है उनके भी सबक्यूटेनियस फैट उतने सफिशियंट नहीं होते हैं, इसलिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी कि जब तक वो प्यूबर्टी को रीच नहीं कर जाते हैं तब तक उनके बॉडी में टेम्परेचर वेरी करते रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है। इसमें जैसे जो भी नर्सेस होंगी ना, उनको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो वो अगर अवेयर रहेंगे ना इन सभी फैक्टर्स के बारे में, तो वो क्या कर सकेंगी, जो भी प्रोसीजर करने जाएंगी उससे पहले वो अपने आप को एक बेटर प्लानिंग कर पाएंगे, मतलब अपना एक बेटर प्लानिंग कर पाएंगे और सही से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, उस प्रोसीजर को अच्छे से कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए उनका अवेयर होना इन सभी फैक्टर्स के बारे में ज़रूरी है। ठीक है, एज फैक्टर में मैंने जैसे बता दिया, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन क्या होता है, जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होता है ना, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग से लेकर के और मतलब सोने तक के, बेड टाइम तक के बीच में जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो वेरी करता है बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग या जो भी हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, सर्कैडियन रिदम में, यानी कि डायर्नल वेरिएशन। यानी कि उसमें क्या होता है, जब हम सो करके उठते हैं उसके बाद से हमारे बॉडी टेम्परेचर में कैसे चेंजेज आता है, जब हम सुबह में सो करके उठते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और टाइम आगे बढ़ता है, तो क्या होता है हमारे एक्टिविटीज़ के कारण या जो कोई भी हम वर्क करते हैं या हमारे हम जो भोजन करते हैं, डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन सब के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आते हैं और इंक्रीजमेंट होता है धीरे धीरे, और ये जाते जाते 4 and 5 PM तक यानी कि इवनिंग के समय तक ये जाते जाते पीक पॉइंट पे हो जाता है, ये बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, फिर ये साइकिल क्या होता है, ऐसे ही डे बाय डे चलते रहता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम या डायर्नल वेरिएशन। ठीक है, इसमें कह रहा है बॉडी टेम्परेचर चेंजेस कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट डे, यानी कि होल डे में मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है बॉडी टेम्परेचर हमारा चेंजेज होते रहता है, 1 डिग्री सेल्सियस से वो क्या करता है, वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से अफेक्ट करता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं यानी कि हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने बॉडी से मेहनत करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के जितने भी सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं या जो भी मसल्स हैं हमारे, वो फंक्शन करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, हमें स्वेटिंग होने लगती है, तो इससे क्या होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इनहांस होता है, तो एक्सरसाइज भी ऐसा फैक्टर है ना जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें कह रहा है स्ट्रेनस एक्सरसाइज और हार्ड वर्क कैन इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा फैक्टर है, हार्मोन्स। अभी तक तो हमने देख लिया एज, डायर्नल वेरिएशन, एक्सरसाइज, अब हम देखते हैं हार्मोन कैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है। ये मोस्टली देखा जाता है कि जैसे फीमेल्स के केस में ऐसा होता है ना, उनके हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मेंस के तुलना में ज़्यादा उनमें फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि उनका हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन के कारण जैसे उनका जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है ना, ओवुलेशन का पीरियड जब रहता है मेंस्ट्रुएशन के मिड पॉइंट पे, यानी कि 14th डे के आसपास जो टाइम होता है, उस टाइम पे ओवुलेशन होता है, और उस टाइम पे क्या होता है ना, हार्मोन का इतना मतलब लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्मोनल रिएक्शंस के कारण या केमिकल रिएक्शंस के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर, मतलब फीमेल्स के बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा एक फैक्टर है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें कह रहा है वुमेन्स यूजुअली एक्सपीरियंस मोर हार्मोन फ्लक्चुएशन देन मेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या फैक्टर है, स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर अल्टर हो सकता है या कैसे उसमें फ्लक्चुएशंस या चेंजेज आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हमारा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालता है, जब हम स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, जब हम कुछ बहुत मतलब किसी भी वजह से, किसी भी बात की वजह से, या कोई भी ऐसा हमारे लाइफ में इंसिडेंट हो जाता है जिसके वजह से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं। वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो भी हमारे वेगस नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और प्लस में वेगस नर्व्स स्टिमुलेट हो जाते हैं या हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन, ये सभी हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, और ये हार्मोन्स के सिक्रीशन के कारण, केमिकल रिएक्शंस के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। आप कभी भी नोटिस किए होंगे, जब भी आप स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उस टाइम पे आपका हार्ट बीट ज़्यादा होता है, आपको फियर होता है, आपको डर लगता है, और प्लस में आपका ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती है ना आपके बॉडी के अंदर, उसके वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। इसमें क्या कह रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, देयर बाई इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम रहते हैं तो सिंपैथेटिक हमारे जो नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, ये दोनों नर्व्स जो बॉडी का मैकेनिज्म है नर्व सिस्टम का, उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक हमारे एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देता है और पैरासिंपैथेटिक्स उसको काम करने की कोशिश करता है और उसको नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करता है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, उस टाइम पर ये दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का, उसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के वजह से कैसा हमारा बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट हो सकता है, जाहिर सी बात है कि जब हम हॉट एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमें ज़्यादा हॉट फील होता है, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लो, मतलब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाता है, और जिसके वजह से अगर हम उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर बिना किसी प्रोटेक्शन के रहते हैं तो हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर तो बॉडी उसको मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस उसको मेंटेन करता है, लेकिन अगर उसको हम मेंटेन करता है, वो पूरा अपना एफर्ट लगा रहा है कि हाँ हम शिवरिंग करा करके, मसल एक्टिविटीज़ करा करके क्या करें, बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखें, लेकिन अगर हम अपने मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करके, जैसे सर्दी का मौसम है, हम बिना स्वेटर वगैरह, बिना जैकेट वगैरह पहने हुए अगर हम सर्दियों में ऐसे ही घूमें तो क्या होगा, हमारा हाइपोथर्मिया हो जाएगा ना, और हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर्स में अल्टरेशन आ जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे कोल्ड स्ट्रोक होता है ना, वो ऐसे ही कंडीशंस में होता है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट में हॉट और कोल्ड का, एनवायरनमेंट का मैंने एग्जांपल दे दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन कैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकता है, अगर हमें कोई डिजीज होती है तो उस टाइम पे हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं, यानी कि इम्यून सेल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमें फीवर होता है। फीवर क्या होता है,
कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके एक्टिविटी उसके मतलब रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी फीवर शो करता है, यानी कि ये बताता है कि हमारे बॉडी में सेलुलर जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनका रिएक्शन बढ़ गया है, उनकी वर्क बढ़ गई है, एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शंस के कारण और उनकी एक्टिविटी के कारण बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका इनटेक करने से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है कॉमन साइट्स फॉर असेसिंग बॉडी टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से कॉमन साइट्स हैं जहां से हम बॉडी टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं या बॉडी टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कॉमन फाइव साइट्स हैं जिसको हम एक एक करके डील करेंगे, जिसमें पहला हमारा साइट्स आ जाता है ओरल, यानी कि मुंह के थ्रू, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा थर्मामीटर होता है उसके बल्ब को हम प्लेस करते हैं सब लिंगुअल में, जो भी हमारे फ्रेनुलम है ना उसके आइदर साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में, हम किसी भी साइड में प्लेस करके उसको और माउथ को क्लोज करके हम क्या कर सकते हैं, ओरल बॉडी टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारा ओरल जो रूट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ये पहला साइट है। इसमें कह रहा है दिस इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट मेथड, ये बहुत ही इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है और प्लस में ये क्या है, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है ये साइट और हम इस साइट से बहुत ही इजीली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और ये हमारे लिए आसान भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, जिसमें हमको ज़्यादा कुछ मतलब एफर्ट नहीं करने की ज़रूरत होती है। हाँ, इस टाइम पे हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जिस क्लाइंट का भी हम ओरल टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, ओरल साइट से हम टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लाइंट मेंटली स्टेबल हो, यानी कि वो जो पेशेंट हो या वो जो इंडिविजुअल हो, वो ऐसा नहीं कि उसको सीजर्स आते हों, सीजर्स का केस हो या ऐसी एपिलेप्सी वाली केस हो जिसमें मिर्गी वगैरह आता हो, तो वो बच्चों में खास करके ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को ओरल रूट से जब हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखते हैं कि वो उसको बाइट ना कर ले, क्योंकि हमारा जो थर्मामीटर होता है ना, ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसमें मर्करी होता है और मर्करी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, पॉइजनस की तरह काम करता है और उसकी वजह से डेथ भी हो जा सकती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, वो बॉडी टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो बच्चे में और जो मेंटली स्टेबल नहीं है, यानी कि जो कभी भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जिनका मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं है, वैसे लोगों में हमें खास करके ये ध्यान रखना है, बच्चों में ध्यान रखना है या वैसे लोगों में ध्यान कि उसको वो च्यू ना करें या उसको ब्रोक ना हो जाए वो ओरल टेम्परेचर मेंटेन करते समय। अगर वो ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या होगा, मर्करी इनहेल कर जाएंगे और उसके वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ओरल टेम्परेचर मेजर करते समय। द नर्स शुड मेक श्योर क्लाइंट हैज नॉट हैड कोल्ड फ्लूड। और क्या ध्यान देना होता है कि जब हम जिस भी क्लाइंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं तो हमें ये चीज़ पहले क्लियर कर लेना होता है कि वो क्लाइंट कोई भी मतलब जब भी हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसा हॉट या कोल्ड बेवरेज तो नहीं लिया, यानी कि कोई फ्लूड्स वगैरह तो नहीं लिया है, जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी, दूध या इस तरह का कोई भी ऐसा फ्लूड्स नहीं लिया है, जिसके वजह से क्या हो सकता है, हमारा बॉडी हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर लेने जा रहे हैं, वो अल्टर्ड हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस में ये ध्यान रखना है कि वो अभी एक्सरसाइज तो करके नहीं आ रहे हैं या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो करके नहीं आ रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा क्लाइंट है जो अभी तुरंत खाना खा करके आया है या ऐसा एक्सरसाइज करके आया है या स्मोकिंग करके आया है, तो हमें एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स वहाँ पे वेट करना है ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद हम उनका बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा साइट कौन सा आ जाता है, रेक्टल, यानी कि रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये दूसरा साइट है जिसमें कह रहा है इट इज़ अ रिलायबल मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये रिलायबल होता है और इसमें जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं ना वो हमें मोस्ट एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर मिलता है। इसके बजाय हम अगर एक्जिला से लेते हैं या ओरल से लेते हैं तो उसके मतलब उसके तुलना में जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। ठीक है, एक्जिला में क्या होता है वो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री का उसमें कम हमें मेजरमेंट मिलता है, लेकिन रेक्टल में क्या होता है,
ओरल टेम्परेचर से, ओरल जो हम जितना हमें बताता है उससे 1 डिग्री उसमें ज़्यादा टेम्परेचर पता चलता है, और वो क्या होता है, हमारा एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इट इज़ अ रिलायबल मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कंट्रा इंडिकेटेड फॉर क्लाइंट्स। वैसे क्लाइंट्स में इनको मना किया गया है इस रूट से टेम्परेचर लेने के लिए, जिन क्लाइंट्स में क्या हो कि अगर उनकी कोई रेक्टल सर्जरी हो रखी हो, या उनकी सर्जरी अभी अंडर गोइंग हो, यानी कि उनकी सर्जरी जो हो रही हो, या उनका जो अभी रेक्टम में सर्जरी हुआ हो वो अच्छे तरह से हील अभी नहीं हुआ हो, या उनको हेमरॉइड्स हो, या डायरिया हो, या रेक्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, या वो इम्यून सेंसिटिविटी हो उनका, तो वैसे केसेस में हमें क्या करना है, रेक्टल रूट से, रेक्टल साइट से हमें बॉडी टेम्परेचर को असेस नहीं करना है, हमें वहाँ से मेजरमेंट बॉडी टेम्परेचर का नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड साइट हमारा है एक्जिलरी। एक्जिलरी क्या होता है, ये एक्जिला, हमारे दोनों एक्जिला के साइड में हम क्या कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज सेफ नॉन इन्वेसिव एंड मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न्स। ये क्या होता है, बिल्कुल ही सेफ साइट है, यानी कि हम यहाँ पे अगर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उससे हमारे क्लाइंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है, या उनको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता है। अगर हम ओरल और रेक्टल की बात करें तो उसकी तुलना में ये मोस्ट सेफ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये सेफ ऐसा साइट है जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर ईजिली मेजर कर सकते हैं। और ख़ास करके बच्चों में ऐसा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि अगर हम रेक्टल या ओरल रूट से करें तो उसमें खतरा होता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्जिला का यूज करते हैं, एक्जिला में बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, तो वहाँ से उनको किसी भी तरह का हार्म भी नहीं हो सकता है और हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सेसिबल साइट है एक्जिला। नेक्स्ट हमारा कौन सा साइट आ जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि ईयर में हम प्रोब को प्लेस करके, जो भी थर्मामीटर का प्रोब होता है उसको प्लेस करके हम वहाँ से टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो वो कौन से साइट से मेजर करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इट इज़ फ्रिक्वेंट साइट फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर, और इससे हमें क्या पता चल सकता है, कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या है, यानी कि हमारे इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और हमने दो टाइप के बॉडी टेम्परेचर पढ़े थे ना, सरफेस बॉडी टेम्परेचर एंड कोर बॉडी टेम्परेचर, जिसमें ये क्या है, अभी तक तो हम जो भी पढ़ रहे थे ये सभी सरफेस बॉडी टेम्परेचर बता रहे थे, लेकिन ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का है ना, ये हमें कोर बॉडी टेम्परेचर बताता है कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और ये बार बार, मतलब फ्रिक्वेंटली हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसमें क्लाइंट को ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा साइट आ जाता है, टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी क्या है, जो हमारा टेम्पोरल रीजन में, यानी कि हमारे फोरहेड्स के एरिया में जो आर्टरीज होते हैं उनके थ्रू हमारे, हमें क्या पता चल सकता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, जिसमें जैसे टेम्पोरल आर्टरी जो थर्मामीटर होता है उसको हम प्लेस, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप किसी भी मॉल्स वगैरह में जाते हैं या किसी भी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो आपको, या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपका पहले ऐसे एक गन की तरह एक टेम्परेचर मेजरिंग मशीन होता है जो आपके फेस के ऊपर ऐसे फोरहेड्स के पास प्लेस किया जाता है, मतलब थोड़ी दूरी पे, और वो क्या होता है, वहाँ से इंफ्रारेड निकलते हैं और जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को वहाँ से असेस करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ये टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर होते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर एसेस हो जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, द टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड ऑन द फोरहेड यूजिंग ए टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। हम इसको फोरहेड से मेजर कर सकते हैं, थर्मल टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर जो है उसको प्लेस्ड करके। दूसरा कह रहा है, इट इज़ सेफ नॉन इन्वेसिव एंड वेरी क्विक इन शोइंग रिजल्ट्स। ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, हमें इसको इंसर्ट नहीं करना पड़ता है, ये बॉडी के बाहर से ही हम उसको मेजर कर सकते हैं, और ये काफ़ी सेफ एंड रिलायबल मेथड्स हैं। नेक्स्ट कह रहा है, फोरहेड टेम्परेचर मेजरमेंट आर मोर यूजफुल इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ये बच्चों में, जो भी इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है, यानी कि अगर हम उनका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं तो ये जितने भी साइट्स हैं इन सब में रिलायबल या मोस्ट यूजफुल कौन सा है, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर या टेम्पोरल आर्टरी साइट है, जो कि हमें बॉडी टेम्परेचर ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट मे बी एक्सपेंसिव। इसमें एक चीज़ की कमी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है,
ठीक है, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट यूजफुल ये मेथड्स हैं या ये साइट है जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को इजीली एसेस कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर में हमने क्या डील किया, यहाँ पे हमारे 8 फैक्टर्स थे जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे थे, जिसमें क्या था, एज था, एज के अकॉर्डिंग न्यू बॉर्न और ओल्ड एज में जैसे टेम्परेचर कैसे फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है, उसका रीजन भी मैंने बताया था, सबक्यूटेनियस फैट का कारण होता है। नेक्स्ट इसमें क्या था, डायर्नल वेरिएशन जिसको हम सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं, यानी कि स्लिप एंड वेक साइकिल जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। वैसे ही हार्मोन्स हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, फीमेल्स में जब ओवुलेशन के टाइम होता है या मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करते हैं फीमेल्स के केस में। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस टाइम पे हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है बॉडी में, जिसके वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर अल्टर हो जाता है या उसमें चेंजेज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तो क्या था, एनवायरनमेंट, हॉट एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे भी एनवायरनमेंट हमारे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिजीज कंडीशन, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है उस कंडीशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका इंटेक करने से हमारे बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या डील किया था, कॉमन साइट्स फॉर असेसिंग बॉडी टेम्परेचर, ऐसे कौन कौन से कॉमन साइट्स हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर को इजीली असेस कर सकते हैं। तो ऐसे हमने 5 साइट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमारा पहला था ओरल साइट, रेक्टल साइट, थर्ड वन था हमारा एक्जिलरी साइट, नेक्स्ट था हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साइट, नेक्स्ट हमारा क्या था, टेम्पोरल आर्टरी। तो ये सभी साइट्स के बारे में हमने पढ़े हैं, ये सभी फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डील किया। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।